it's not a game, it's a rich thing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्नेल वक्स में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे फ्रेंड की एक रियल लाइफ फनी इंसिडेंट। ये कहानी है मेरे दोस्त जॉय और उसके भैया की। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, जॉय और उसके भैया दोनों ही घर पर अकेले थे और उस वक्त डिस्कवरी चैनल पर आने वाले एक फेमस टीवी सीरीज हॉन्टिंग को देख रहे थे। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, डिस्कवरी चैनल पर आने वाली फेमस टीवी सीरीज रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरीज पर बेस्ड हुआ करती थी। तो हमारे स्टोरी के दोनों हीरो घर पर अकेले टीवी देख रहे होते हैं, तभी अचानक से मोटर के चलने की आवाज आती है। दोनों की थोड़ी फटी होती है, पर नॉट टू वरी, अब दोनों बड़े हो चुके हैं और अब ऐसी चीजों से घबराना उन पर सूट नहीं करता। जॉय कहता है, भैया कोई बात नहीं, शायद छिप के लिए स्विच पर गिर गई होगी और मोटर ऑन हो गया, ऐसा अक्सर होता है। जॉय के भैया कहते हैं, हाँ शायद सही कह रहे हो तुम, शायद छिप के लिए ही गिर गई होगी या तो स्विच ही ढीला है। कोई बात नहीं, मैं स्विच ऑफ करके आता हूँ, और इतना कहकर वो मोटर को बंद करने चले गए। टीवी सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, शायद हमें सो जाना चाहिए, रात काफी हो चुकी है। हालांकि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर ही समझ चुके थे, दोनों काफी डरे हुए हैं और दोनों में से कोई अकेले नहीं सोना चाहता, पर अब वो कह नहीं सकते थे क्योंकि अब दोनों बड़े हो चुके हैं और ये काफी इंसल्ट वाली बात होती। जॉय कहना चाहता था, भैया रुक जाओ, आज मेरे कमरे में ही सो जाओ प्लीज, पर वो कह ना सका। जॉय कहता है, ठीक है भाई चलो सो जाते हैं, गुड नाइट जॉय के भैया। ओके गुड नाइट जॉय। करीब आधे घंटे के बाद जॉय को अपने कमरे में एक अजीब सी फिसफिस की आवाज सुनाई देती है। पस, पस, वो ध्यान नहीं देता और सोने की कोशिश करता है, पर अगले 5 मिनट के बाद फिर से वो आवाज आती है। पस, पस, वो इस बार डर जाता है पर इग्नोर करता रहता है। तीसरी बार फिर से आवाज आती है। पस, पस, अब जॉय के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो बेड पर सोए सोए चादर के अंदर से दबी हुई आवाज में चिल्लाता है, भैया भैया भैया। और इतने में उसके भैया उसके कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं, जॉय क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। जॉय कहता है, भैया अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं मेरे कमरे से। जॉय के भैया कहते हैं, सो जा तू, काफी देर हो चुकी है, अब से तू नहीं देखेगा ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज। इसी बात पर जॉय कहता है, नहीं भैया मैंने सुनी है ऐसी अजीब सी आवाज, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज, और उसे ऐसा घबराता देखकर वहीं रुक जाते हैं। अगले 15 मिनट तक कोई आवाज नहीं आती है। अब जॉय के भैया कहते हैं, जॉय कोई आवाज नहीं आ रही, तू बस डर गया था, चल बस सो जा। और वो इतना कहकर जाने ही वाले होते हैं तभी अचानक फिर से वो आवाज आती है, पस, पस, और उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो जॉय से कहते हैं, जॉय चल बाजू हट, और उसके बेड पर जाकर उससे चिपक कर बैठ जाते हैं। वो जॉय से कहते हैं, अगली बार जैसे ही आवाज आती है तू जाकर लाइट ऑन कर देना, जिस पर जॉय कहता है, मैं नहीं करने वाला, आप जाकर करो। और फिर वो डिसाइड करते हैं, दोनों साथ मिलकर लाइट ऑन करेंगे और फिर वो उसी आवाज के आने की दोबारा वेट करते हैं और वो आवाज दोबारा आती है। पस, पस, और अब दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, पर दोनों हिम्मत करके एक साथ उठकर जोर से चिल्लाते हुए स्विच की ओर बढ़ते हैं और लाइट को ऑन कर देते हैं, और उन्हें अपने कमरे में कुछ नहीं दिखता। लाइट ऑन होने से उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और फिर उन्हें नजर आता है उनकी पड़ोसी ने भी अपने लाइट्स ऑन कर ली और वो अपनी खिड़की से इन्हें देख रही थी। जॉय ये देखकर समझ जाता है ये आवाज उसके पड़ोसन की है, जो अपने बॉयफ्रेंड से रात को छिपकर बात कर रही है, और जॉय और उसके भैया दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंस देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, और अगर आपके लाइफ में भी ऐसी कोई फनी स्टोरी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर